विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में परंपरा पर फैशन किस तरह हावी हो रहा है और साथ ही मंदिर में परंपरा को ठेंगा दिखाकर किस तरह श्रद्धालुओं के साथ सेटिंग कर गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है, इसको लेकर पिछले हफ्ते ही हमने एक खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी। आज भी वही दृश्य देखने को मिला, लेकिन मीडिया द्वारा जब तहसीलदार को नियम बताया तब युवतियों को प्रवेश रोके और उन्हें साड़ी पहनकर दर्शन करने की इजाजत दी गई। महाकाल मंदिर में रोजाना देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और हर श्रद्धालु की मुराद होती है कि मंदिर में गर्भगृह में अंदर जाकर शिवलिंग को छूकर दर्शन करे और भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करे। महाकाल मंदिर में भस्म आरती से ठीक पहले और अमूमन जब ज्यादा भीड़ होती है या कभी किसी त्योहार के दिन गर्भगृह में प्रवेश बंद रहता है, इस दौरान अगर किसी को गर्भगृह में जाकर शिवलिंग को जल चढ़ाकर दर्शन करना है तो उसके लिए परंपरागत महिलाओं को साड़ी पहनना जरूरी है और इसके लिए गर्भगृह में जाने के लिए 1500 रुपए की रसीद कटाकर ही मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन फैशन के इस दौर में जहाँ कई लड़कियाँ जीन्स स्कर्ट और अन्य परिधान पहनकर मंदिर पहुँचती है और उसके बाद गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए नए नए तरीके अपना रही है और उनका साथ पंडित और कर्मचारी भी देते हैं। इस खबर को हमें अपने दर्शकों तक पिछले हफ्ते ही पहुंचाया था, लेकिन आज फिर वही दृश्य देखने को मिला और दोनों युवतियां जींस के ऊपर साड़ी लपेटकर नंदी हॉल तक भी चली गई। लेकिन मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मंदिर में तैनात तहसीलदार ने दोनों युवतियों को अंदर जाने से रोक दिया और साड़ी में ही प्रवेश दिया। हाँ जी, अभी हमने दो लड़कियों को गर्भगृह में प्रवेश होने से रोका है क्योंकि वो जीन्स टॉप पर साड़ी पहन के आई थी जो कि प्रॉपर वेशभूषा में नहीं है यहाँ पर, जो कि इल्लीगल है, और जो दुकान वाले बेच रहे हैं वह भी इल्लीगल है, तो हम इन्हें रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दुकानदारों को हमने बुलवाया है और उन्हें समझाया कि ऐसा ना करें और अगर अगर वो करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी वो ड्रेस उन्हें वापस दोबारा चेंज करिए, जब उन्हें प्रवेश से रोका गया अब उन्हें प्रवेश दे रहे हैं क्योंकि वो ड्रेस चेंज करके आ गई है।